दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर से होंगे। मैं बुराक और आप YouTube चैनल देख रहे हो विद बुराक। लेट्स गेट स्टार्ट। अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या होता है? इसमें इस तरह होता है कि अल्टरनेट मेथड, ये जो फार्मूला उन्होंने दिया है, इसको आप अलग अलग लिख के, आपने पांच छह चीज़ें या तीन या चार चीज़ें आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में याद करने हैं, ठीक है। ए इंटू वन प्लस साइन टू टी, ठीक है। अब एल इंटू वन में लिख सकता हूँ प्लस एल साइन टू टी, ठीक है। आपने जो, मैं चलो इस तरह लिख, लाप्लास ऑफ वन आपके पास बराबर है वन ओवर एस, ठीक है। लाप्लास ऑफ साइन टी आपके पास बराबर है ए डिवाइड बाय एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। लाप्लास कॉज आपके पास बराबर है कॉस टी एस डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर हाइपरबोलिक फंक्शन का मैं बाद में बताऊंगा, ये तीन आप याद करें। लाप्लास ऑफ ई पावर ए टी का बराबर है ई पावर ए टी जो नीचे आएगा ई पावर ए टी डिवाइड बाय आई थिंक ये बाद में आएगा, ठीक है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो प्रॉपर्टी है, प्लस प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए को बाहर लिख ले, बी इसके बीच में लिख ले, ठीक है। ये पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा, बी पे अप्लाई नहीं होगा। अब एल एफ ऑफ ए टी वन ओवर ए चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी। अच्छा, एफ एफ ऑफ अगर लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस हो, ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन इससे आए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से अगर कोई भी फंक्शन आए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ ए टी हमारे पास किसके बराबर होगा? वन ओवर ए एफ ऑफ ए डिवाइड बाई ए। क्वेश्चन में आपको बताएगा, इस पर थोड़ा ध्यान दे, सिर्फ उसको फॉलो करे, सिर्फ उसको बस इस तरह नज़र से देगी तो पता चल जाएगा कि, अच्छा सिर्फ इसको देखिए, बाद में क्वेश्चन इस पर हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन इस पे है, तो चलो करते हैं ये क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर सिक्स, इफ लाप्लास ऑफ जी जी नॉट अंडर रूट टी, ठीक है, ई पावर माइनस वन ओवर फोर एस डिवाइड बाय एस, ठीक है। तो अगर ये इसके बराबर है तो फिर लाप्लास ऑफ जी नॉट टू अंडर रूट टी किसके बराबर होगा? तो हेयर वी हैव लाप्लास जी, ये तो गिवन है ना, अंडर रूट टी लाप्लास जो जी नॉट अंडर रूट टी, ये तो गिवन है ई पावर माइनस वन ओवर फोर एस डिवाइड बाई एस, ठीक है। तो ये इस फार्मूले, तो मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला अभी यूज़ होगा, एफ ऑफ ए टी वन ओवर ए एफ ऑफ एस डिवाइड बाई ए, ठीक है, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लाप्लास जे नॉट। अब इसमें अंडर रूट फोर हम लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा मकसद क्या है? टू तक जाना। जब टू तक जाओगे तो अंडर रूट फोर आपने पहले लेना है, टी के साथ आप वो टी ए टी तो बहुत अंदर है ना, दोनों अंदर है, तो जब दोनों अंदर है तो टी के साथ आपने इस तरह के नंबर लगाना है जिससे हमारे पास ये टू आ जाए। तो अंडर रूट में जब हम फोर लगाते हैं तो इससे टू आता है ना, तो हमारा मकसद ये होता है कि हम ये प्रूफ करें, ठीक है। तो अंडर रूट फोर इसलिए हमने लगाया है, ठीक है, और ये फार्मूला यूज़ करें, जी नॉट अंडर रूट फोर टी ए टी, तो वन ओवर ए वन ओवर फोर, ठीक है, ई पावर माइनस एफ ऑफ एस डिवाइड बाई ए। हर एक जो टर्म होगा वो वन, हर एक जहाँ पे भी आपको एस नज़र आए तो वो एस बाय फोर में तब्दील होगा, ठीक है। तो वन ओवर माइनस फोर एस बाय फोर, ठीक है, एस बाय फोर, ठीक है। अच्छा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू वन ओवर एस, ये फार्मूला यूज़ हुआ है। लाप्लास ऑफ जे नॉट टू अंडर रूट टी इक्वल टू वन ओवर एस ई पावर माइनस वन ओवर एस, ठीक है, वन ओवर एस, ठीक था। अच्छा, शिफ्टिंग फर्स्ट थ्योरम, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ना, बस बस ये था क्वेश्चन। अच्छा, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन अगर ये लाप्लास फंक्शन आप जब फैक्टर पे अप्लाई करोगे, अगर कोई आम सा फंक्शन आपके साथ आए इन द फॉर्म ऑफ एस, तो फिर लाप्लास ऑफ ई पावर ए टी, या इस तरह आया ना, लाप्लास ऑफ ई पावर ए टी एफ ऑफ टी, एक्सपोनेंशियल, सिर्फ एक्सपोनेंशियल आया इसमें,
और इसी को मल्टीप्लाई में आया तो एफ ऑफ टी के साथ और लाप्लास भी अप्लाई करोगे तो वो आपके साथ किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। ये मैं इस इन सारों फार्मूलों की एक लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह पोस्ट की फॉर्म में, तो वो आप देख ले, आपको पता चल जाएगा। मैं नाम के साथ टाइटल के साथ भी सारे फार्मूले जो है ना वो सेंड करूँगा। अच्छा, ये तो एक फार्मूला बन गया। नाउ लाप्लास ई पावर ए टी टी एन, ये एन नंबर के लिए, ठीक है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस माइनस ए इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये बाद में यूज होता है, ठीक है, तो आप इसको फॉलो करें। अच्छा, ये अभी ये बता, लाप्लास ऑफ ई पावर ए टी कॉस बी टी, ठीक है, तो जब कॉस बी टी हमारे पास है तो एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हैं जो कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के रिलेटेड है, अभी साइड शिफ्टिंग थ्योरम, एफ ऑफ ई एंड टी माइनस ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये फार्मूले तो आपको पहले लिख लिया अपने पास, ठीक है, ये फार्मूले क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फाइंड लाप्लास कॉस स्क्वेयर टी, यही क्वेश्चन अभी बताया है। एग्जाम्पल नंबर 7, 42.1, कॉस 2t इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर टी माइनस 1, ये फार्मूला है, ठीक है, कॉस अल्फा बीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस 1, ठीक है, ये फार्मूला है। अच्छा, कॉस 2t इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर टी माइनस 1, कॉस स्क्वेयर टी इक्वल टू 1 ओवर 2, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कॉस टू टी या कॉस स्क्वेयर या कॉस स्क्वेयर है, ठीक है, तो जब कॉस स्क्वेयर है सॉरी यहाँ पे टू या भी यहाँ पे वन उधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू टी डिवाइड बाई टू, ठीक है, डिवाइड बाई टू, ये इस तरह किया है, रिप्लेसिंग किया है, ठीक है। अब एल ऑफ कॉस स्क्वेयर टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ वन ओवर टू और कॉस टू टी प्लस वन, लाप्लास अप्लाई किया है दोनों पे, वन ओवर टू लाप्लास ऑफ कॉस टू टी प्लस एल वन, ठीक है, दोनों पे अप्लाई करें, वन ओवर टू बीच में बाहर निकाले, ठीक है, और लाप्लास ऑफ वन। अब लाप्लास ऑफ कॉस टू टी तो आप लोगों को पता है, मैंने फॉर्मूले में लिख लिया, ठीक है, एस डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक ही आया हमारे पास, ए हमारे पास चूंकि फार्मूला इस तरह था, कॉस ए टी लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए हमारे पास टू बन गया, ये टू है सॉरी ए एस है, ठीक है, तो एस 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 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह हमारे पास ए किस की जगह है, टू की जगह है ना, तो टू स्क्वायर प्लस और लाप्लास ऑफ वन मैंने लिख लिया वन ओवर एस, ठीक है, ये फॉर्मूले याद किया, वन ओवर टू एस इंटू ए स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन ओवर एस, ये फॉर्मूले प्रूफ हो चुके हैं, आप उसका प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है, बुक में। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 8, लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी अगर बराबर है ए स्क्वायर प्लस टू के, ठीक है, और एस इंटू ए स्क्वायर प्लस फोर के, तो फाइंड करे कॉस स्क्वायर ए टी, लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर ए टी अगर ये इसके बराबर है तो फिर इसका क्या होगा, तो फिर हम उसी को उठाते हैं, ठीक है, एल ऑफ कॉस स्क्वायर टी या इसी को सॉरी, तो ए स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई एस इंटू ए स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, प्लस फोर, एल ऑफ कॉस ए स्क्वायर इसको उठाते हैं, ठीक है, अब इसको जब उठाते हैं तो इसका हमारे पास इसराइ के वन ओवर ए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, वन ओवर ए, अब इसमें ए इजाफा करें, ठीक है, तो जब ए इजाफा करते हो तो वन ओवर ए आ जाएगा, ठीक है, लाप्लास में तो वैसे भी वन ओवर ए मिलता है। अब ए स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर इसमें एस डिवाइड बाई ए जो भी टर्म होगा, जब आप इसको लाप्लास में मल्टीप्लाई करते तो सोल्यूशन में तो वन ओवर के फॉर्म में लिखते हैं, वो भी फार्मूला भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। अच्छा, वन ओवर ए अपनी जगह पे जहाँ पे भी आपको एस नज़र आए ना उसको एस बाय ए में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो एस बाय ए स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई एस बाय ए इंटू एस बाय ए स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, वन ओवर ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, ठीक है, टू ए स्क्वायर अपनी जगह पे और टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर इसके साथ जमा हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय एस बाय ए, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर, ये से आता है एल सी एम जब आप दोगे तो। अच्छा, ये बस बन गया, ठीक है, फाइंड द लाप्लास ऑफ टू साइन टू टी कॉस फोर टी, ठीक है,
तो एफ ऑफ टी इक्वल टू 2 sin 2t cos 4t, साइन 2t मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2t + 4t/2 क्या बन जाएगा, शाबाश, 6/2 3 बन जाएगा। अब चूंकि फार्मूला इस तरह है, फार्मूला इस तरह नहीं है, फार्मूला इस तरह है 2 cos α β, इस तरह 2 cos α cos sin β ये बराबर होगा sin α + β/2 + sin α - β/2। ये फार्मूला जब आप यूज़ करोगे तो आपके साथ ये आ जाएगा। बस अल्फा हमारे पास, बस ये फार्मूला यूज़ करें, 2t है और बीटा हमारे पास 4t है, तो इसमें पुट करें इस तरह ये वैल्यू आएगा। अब sin 3t 2 + 4 6, और 6 को 3 डिवाइड करें -a sin t, लाप्लास इस पे अप्लाई करें, ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, तो दोनों पे लाप्लास जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ए हमारे पास बन जाएगा, ए हमारे पास बन जाएगा 3 3 स्क्वायर प्लस 9। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला मैं बताता हूँ, इसका फार्मूला है साइन लाप्लास ऑफ sin 3t का फार्मूला है, चूंकि हमारे पास sin a t का फार्मूला है, मैं जनरल स्पीकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो फार्मूला है a² + a² तो अब a की जगह 3² लिख ले, a² की जगह 3 और 3² और a की जगह 3, तो 3 / a² और 3² की जगह 9 लिख ले, +1 / a², इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, a जो है ना वो 1 हो जाएगा, और इसी फार्मूले में पुट करें तो आपके साथ जो सोल्यूशन है वो आएगा। सिर्फ ये याद करें, ठीक है, ये याद करें, बस ये फार्मूला याद करें, अभी मैं बता रहा हूँ, sin a t = a² / a², ठीक है, ये फार्मूला कॉस का और वन का, तो आपको खुद पे अंदाजा हो जाएगा, ये 4 फार्मूले हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं बाद में, तो उसको याद करने की कोशिश करें। अच्छा, एग्जांपल नंबर 9 हम करते हैं, 42.1 फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t^-1/2। ये बुक और में गया है मगर मैं भी नहीं समझता कि ये क्या किया है, ठीक है, तो इस वजह से मैं उसको स्किप करता हूँ, मैं उसको देखूँगा, और मैं वैसे नहीं कर सकता, अगर आप लोग कर सकते हो, क्योंकि या इस क्लास में मैं था नहीं और ये चीज़ मैं नहीं जानता कि ये क्या है। अच्छा, एग्जांपल नंबर, जो चीज़ मुझे नहीं आती तो उसका स्टडी मैंने नहीं किया है, ठीक है, ये बाद में बताऊंगा लेटर, और खुद और खामखा बताऊंगा, ठीक है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 sin³t, इसका पता है मुझे, 4 sin³t 3 sin t - t - sin³t, ये फार्मूला है, आपने याद करना है, ठीक है, ये भी फार्मूला है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो था, ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर नहीं था सेकंड ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, तो उसमें था। अच्छा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 3 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में था कि फर्स्ट, इससे फर्स्ट ईयर में था, तो 3 3 3 को आप बाय लिख ले, l sin t पे आप लाप्लास ले ले -l sin 3t, ठीक है, ये फार्मूला यूज होता है। अच्छा, 3 अपनी जगह पे a² + 1, यहाँ पे 1 हो आता है, पर यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी फिर 3 बन गया, -3 a² + 9, ये फार्मूला तो भी आप लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, फाइंड इस इन एग्जांपल में आपने क्या करना है, जो जो मिक्स फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है उसको आपने रिजॉल्व करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो रूल्स जो आपने उसको फॉलो करना है आपने, उसके बाद, इसके बाद ऐश है, ऐश, वो ऐश नहीं होता a s h, फिर इससे ये बन गया, ठीक है, राग बन जाता है,